ये है जैसा डेलो क्रिस्प। वो 9 साल की थी जब उनका पहली बार रेप हुआ। फिर उनको कई बार सेक्स के लिए बेचा गया, आसपास की होटलों में, गेस्ट हाउस में, यहाँ तक कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी में भी इस्तेमाल किया गया। ये सब कुछ 12 सालों के लिए ऐसे ही चलता रहा, जब फाइनली वो घर छोड़कर भागना गए। जस्ट इमेजिन, 10 साल की लड़की जो कई बार दिन में दो दो बार बेची जा रही हो, क्या बीती होगी उस पर। ऐसी ही बहुत सी कहानी आपको भारत में भी मिल जाएगी। झारखंड की समीरा को उनके ही जीजा ने नौकरी की लालच देकर बेच दिया और 2 साल तक मुंबई में उनका रेप होता रहा, मार पड़ती रही। यहाँ तक कि खाना भी उनको तभी दिया जाता था जब वो कस्टमर को अटेंड करती। फाइनली पुलिस ने उनको रेस्क्यू किया। 13 साल की मोनाली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पश्चिम बंगाल के उसके घर के पास से उसे किडनैप किया गया और ओडिशा में भेज दिया गया, जहाँ पे 2 साल तक उससे प्रोस्टिट्यूशन करवाया गया। बाद में पुलिस ने उसे रेस्क्यू किया। हालांकि सभी विक्टिम्स इतनी लकी नहीं होती। 17 साल की दामिनी को जॉब के लिए उसकी फैमिली ने हरियाणा भेजा, जहाँ से वो कभी वापस ही नहीं आई। यहाँ तक कि पुलिस ने भी केस लेने से मना कर दिया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2016 में 8,132 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि हर साल 12,000 से 50,000 औरतों को दूसरे देशों से इंडिया में ट्रैफिक किया जाता है। ऐसी कितनी ही लड़कियां हैं जो परिवार से बिछड़कर प्रोस्टिट्यूशन के अंधेरे कुएं में हमेशा हमेशा के लिए खो जाती हैं। और ऐसे कई परिवार हैं जिनकी लाडली पड़ोस में खेलने गई और कभी वापस ही ना आई। पर पॉर्न के टॉपिक पे बने इस वीडियो में मैं सेक्स ट्रैफिकिंग की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पॉर्न और सेक्स ट्रैफिकिंग एक ही माँ के पेट से पैदा हुए 2 बच्चे हैं जो एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। कैसे, वो देखने से पहले हम पॉर्न इंडस्ट्री के कुछ आंकड़ों पर नजर कर लेते हैं। पॉर्न आज $97 बिलियन इंडस्ट्री है, $97 अरब। एक साल में एक पॉर्न वेबसाइट 4,59,90,000 घंटों के लिए देखी जाती है, यानी कि करीब करीब 52,465 साल जितना पॉर्न एक ही साल में एक ही पॉर्न वेबसाइट पे देखा जाता है। और ऐसी तो बहुत सारी पॉर्न वेबसाइट्स हैं, खुद ही अंदाज लगा लो दुनिया कितना पॉर्न देखती है। पर इतने सारे ट्रैफिक को देखने के लिए नया नया कंटेंट भी तो चाहिए, वो कहाँ से आएगा। यहाँ पे पॉर्न इंडस्ट्री की चिंता दूर करने के लिए एंट्री होती है ट्रैफिकिंग इंडस्ट्री की। ट्रैफिक विक्टिम्स को सेक्स करते हुए फिल्म किया जाता है, जो कि पॉर्न वेबसाइट्स के जरिए सर्कुलेट किया जाता है, और ऐसे सेक्स ट्रैफिकिंग पॉर्न को सपोर्ट करती है। पर पॉर्न सेक्स ट्रैफिकिंग को कैसे मदद करता है। ट्रैफिक विक्टिम्स को ट्रेन करने के लिए पॉर्न का इस्तेमाल किया जाता है। पॉर्न दिखाकर कहा जाता है कि कस्टमर के साथ कैसा बिहेव करना है। और दूसरा, एक बार विक्टिम का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया तो विक्टिम के पास वही रहने के अलावा और कोई चारा ही नहीं रहेगा, क्योंकि फिर तो उसे समाज पहले की तरह कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। इन्हीं सब रीजन से सेक्स ट्रैफिकिंग आज ग्लोबली $99 बिलियन इंडस्ट्री है। आज दुनिया भर में 45,00,000 ट्रैफिक विक्टिम्स हैं, जिनमें से आधे तो अभी तक 18 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंचे। तो जब आप पॉर्न देखते हो तो कहीं ना कहीं आप भी सेक्स ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे रहे हो। आप भी किसी की बच्ची को अपने माँ बाप से अलग कर रहे हो। आप भी उन आवारा लोगों को प्रमोट कर रहे हो जो भोली भाली बच्चियों को प्रोस्टिट्यूशन करवाने के लिए मजबूर करते हैं, या फिर उनको प्रमोट कर रहे हो जो किसी लड़की को शादी की लालच देकर उनसे संबंध बनाते हुए वीडियो बनाकर उसकी इज्जत धूल में मिला देते हैं। पर आप कहेंगे कि मैं तो ऐसे विक्टिम वाले वीडियोस नहीं देखता। पर दोस्त, वीडियो को देखकर आप कभी नहीं कह सकते कि जो वीडियो में है वो विक्टिम नहीं है। क्या पता उसको डरा धमका कर वीडियो में हंसने के लिए मजबूर किया हो। और तो और, पॉर्न इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को भी बदनाम कर रहा है। पॉर्न देखने वाले कुछ कम अक्ल लोग मानने लगते हैं कि हर फॉरेन लड़की को सिर्फ सेक्स ही चाहिए होता है, और इसीलिए मीडिया में फॉरेन ट्रैवलर्स जो इंडिया घूमने आती हैं उनकी छेड़ती की खबरें आती रहती हैं। एक तो पहले से ही वुमन सेफ्टी के मामले में हमारा देश का नाम बदनाम हुआ पड़ा है, तो वे लोग जो भारत का रिच कल्चर देखने आते हैं वो इंडिया की कौन सी इमेज लेकर जाएंगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो हम बोलते हैं ना, मेरा भारत महान, उसके पीछे पूर्ण विराम की जगह प्रश्नार्थ लग जाएगा। और ये सबको अगर हम साइड में भी रख देना तो भी पॉर्न हमारे परिवार को बिखेर रहा है, सेक्सुअल क्राइम्स को बढ़ावा दे रहा है,
इन शॉर्ट हमारी पूरी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्या आप ऐसी किसी दिमाग को दाना डालोगे जो हमारे दिमाग को, हमारे परिवार को, हमारे पूरे समाज को और हमारे देश को अंदर से खोखला कर रही है? चॉइस आपकी है, पर अगर अब भी पॉर्न देखना जारी रखना चाहते हो तो कह दो कि पॉर्न घर में पाले हुए सांप की तरह है, ये आपको डस के ही छोड़ेगा। इससे पहले कि आप वीडियो को बंद करें, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। इस वीडियो सीरीज को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जिनको वाकई में ये सब देखने की ज़रूरत है। मैंने तीनों वीडियो की प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वही लिंक अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। वैसे ये सीरीज हमने तीन पार्ट की ही रखी थी, पर एक बोनस पार्ट भी बन सकता है जो कि पॉर्न रिलेटेड एक की क्वेश्चन को एड्रेस करता है। अगर आप बोनस पार्ट चाहते हो तो बोनस लिखकर कमेंट कीजिए, मैं चौथा बोनस पार्ट ज़रूर बनाऊंगा। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, कर ही दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।